शिवलिंग पर काफी आक्षेप लगते रहते हैं। क्या शिवलिंग घृणित नहीं है? किसी महिला के निजी अंग पर रखे एक पुरुष के निजी अंग की पूजा महिलाओं द्वारा करना और उस पर दूध चढ़ाना कितना अश्लील है? ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग पर लगने वाले इस आक्षेप के बारे में जानेंगे। वास्तव में अश्लीलता तो ये आक्षेप लगाने वालों के मन में है, जो हर चीज में अश्लीलता खोजने को उतावला रहता है, खास तौर पर हिंदू प्रतीकों में, क्योंकि हिंदुओं को कोसने में तुम्हें वीडियो गेम खेलने से ज़्यादा मज़ा आता है। शिव का अर्थ है कल्याण। दुनिया के किसी भी शब्दकोश में इसके लिए कोई समानांतर शब्द नहीं है। हिंदू सभी का कल्याण चाहते हैं, यही कारण है कि वे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जो सभी का कल्याण करता है। बिना किसी भेदभाव के सभी के कल्याण की प्रार्थना हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य विचारधारा में नहीं पाई जाती। शिवलिंग की वास्तविकता क्या है? शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों होता है? दरअसल ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों सृष्टि के सर्वशक्तिमान हैं। इन सब में भगवान शिव को सर्वशक्तिमान माना गया है। यही वजह है कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति या तस्वीर के रूप में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। दरअसल भगवान शिव का कोई स्वरूप नहीं है, उन्हें निराकार माना गया है। शिवलिंग के रूप में उनके इसी निराकार रूप की आराधना की जाती है। शिवलिंग में लिंगम शब्द लिया और गम्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ शुरुआत और अंत होता है। दरअसल शिव जी से ही ब्रह्मांड प्रकट हुआ है और यह उन्हीं में मिल जाएगा। शिवलिंग में तीनों देव का वास होता है। शिवलिंग को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे निचला हिस्सा, जो नीचे टिका होता है, दूसरा बीच का हिस्सा और तीसरा शीर्ष सबसे ऊपर, जिसकी पूजा की जाती है। सबसे निचले वाले हिस्से में ब्रह्मा जी, बीच वाले हिस्से में भगवान विष्णु और सबसे ऊपर वाले हिस्से में महादेव विराजमान होते हैं। शिवलिंग का निचला हिस्सा स्त्री और ऊपरी हिस्सा पुरुष का भी प्रतीक है, अर्थात इसमें शिव और शक्ति एक साथ वास करते हैं। शिवलिंग के अंडाकार के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शिव ब्रह्मांड के निर्माण की जड़ है, अर्थात शिव ही वो बीज है जिससे पूरा संसार बना है, इसलिए शिवलिंग का आकार अंडे जैसा है। और वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो बिग बैग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का निर्माण अंडे जैसे छोटे कण से हुआ है, अर्थात वो कण शिवलिंग ही है। वेदों का एक बुनियादी नियम है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जैसा पिंड में घटता है वैसा ही ब्रह्मांड में घटता है।